गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स फॉर दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। प्लीज स्टे एट होम, वॉश योर हैंड्स इन एवरी 30 मिनट्स, वियर मास्क इफ यू गो आउटसाइड। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर पासिंग 4th स्टैंडर्ड एंड वेलकम टू 5th स्टैंडर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन ऑफ EVS। Today we are going to study understanding relations. Understanding relations means होता है संबंधों को समझना, relations को समझना। पूजा एंड नेहा study in the same school। पूजा और नेहा same school में study करती हैं, पढ़ती हैं। One day पूजा was very sad। एक दिन पूजा बहुत दुखी थी। नेहा asked her, नेहा उससे पूछती हैं, why are you सो सैड टूडे, कि आज तुम इतनी सैड क्यों हो। तो पूजा रिप्लाइड, पूजा बोलती है, पूजा जवाब देती है उसे कि माई फादर इज इल, मेरे पिता बीमार हैं। नेहा सैड, डोंट वरी। नेहा कहती है, डोंट वरी पूजा, चिंता मत करो, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस, कि हम इसके बारे में रेसेस में इंटरवेल में बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रेसेस, रेसेस के दौरान, लंच के दौरान। नेहा बोलती है, यस पूजा, हाँ पूजा, टेल मी व्हाट हैपन्ड टू योर फादर, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे पिता को। पूजा, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे, पापा कल से हाई फीवर, बहुत तेज बुखार से पीड़ित हैं। नेहा, डिड ही विजिट द डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर से मिलने गए थे। पूजा, यस डॉक्टर हैज गिवन मेडिसिन, डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन दवाएं दी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, मेरी दादी एंड ताऊजी दोनों उनकी देखभाल कर रहे हैं। टेकिंग केयर मीन्स देखभाल कर रहे हैं। नेहा कहती हैं, देन वाई आर यू वरीड, फिर तुम चिंतित क्यों हो। वरीड मीन्स चिंतित, परेशान क्यों। ऑल आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे परिवार में सभी हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो पूजा बोलती हैं, यस हाँ, ऑल मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर, मेरी फैमिली में सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल आंट, इसमें ताऊ जी और ताई जी को कहा गया है, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, सब हम सभी एक साथ रहते हैं। नेहा कहती हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली के सभी मेंबर्स उनकी, तुम्हारे पापा की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। सी देखो, ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, तुम्हारे पिता वह 2-3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में देर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली, मेरी फैमिली में मेरे पापा, मम्मी एंड मेरे भाई रहता है। अब देखो, इसमें एक न्यूक्लियर फैमिली बता रखी है और जॉइंट फैमिली बता रही। न्यूक्लियर फैमिली वह होती है जिसमें ओनली फादर, मदर और भाई बहन रहते हैं, और जॉइंट फैमिली वह होती है जिसमें सभी साथ में रहते हैं, दादा दादी, अंकल आंटी, सभी साथ में रहते हैं। ड्रॉ दी फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कम्प्लीट इट। अब इसमें क्या है कि यह टेबल हमें नोटबुक में ड्रॉ करनी है और इसको कम्प्लीट करनी है, बट आपको नोटबुक में नहीं करनी है। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स दे रखे हैं, डू दे लिव विद यू एंड एनीवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, कि क्या तुम, ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये तुम्हारे साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं, वो जगह का नाम लिखना है। तो इसमें आपको खुद को सेल्फ लिखना है, ग्रैंड फादर अगर आपके साथ रहते हैं तो यस, नहीं रहते हैं तो नो लिख के, और जहाँ पर रहते हैं वो लिखना है। जैसे सारे हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, दाई जी, फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी वगैरह, ये सब हैं। नेक्स्ट, इन योर प्रीवियस क्लास, हमने हमारी पिछली क्लास में, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में भी और जॉइंट फैमिली के बारे में भी सीखा है। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ओनली पेरेंट्स ही अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो उनको लाते हैं। व्हाइल इन अ जॉइंट फैमिली, जबकि जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट विद इच अदर, कोऑपरेट में सहयोग, हेल्प, सहायता, मदद, ये सब होता है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सभी मेंबर्स एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब फाइंड आउट एंड राइट डाउन, जैसे कि हु आर योर नेबर्स,
आपके पड़ोसी में कौन कौन है, हाउ मेनी न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन दिस फैमिलीज, इन फैमिली में कितने मेम्बर हैं, हाउ इट वर्क डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम, और सबको अलग अलग कौन कौन से काम वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, बांट रखे हैं, हाउ मेनी ज्वाइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितनी ज्वाइंट फैमिली हैं। इफ पूजा फैमिली वाज ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि पूजा की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर, तो उसके उसके पिता की देखभाल कौन करता, ये सब आप आपको सोचना और खुद ही आंसर देना है। अब हेरेडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली, अब वंशानुगत ट्री ऑफ फैमिली, फैमिली का पेड़, एक पेड़ बना रखा है इसमें फैमिली का। पूजा ड्रॉ ए हेरिडेटरी ट्री ऑफ हर फैमिली, पूजा ने अपनी फैमिली का एक ट्री बनाया है, इसकी रामलाल कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब परदादा उसके, और मिश्रीबाई ग्रेट ग्रैंड मदर, ये है परदादी मतलब अपने दादा के भी मम्मी पापा, रोशनलाल है ग्रैंड फादर उसके, पूजा के दादा, लक्ष्मी देवी पूजा की दादी, संजय फादर, मीनू मदर, पूजा सेल्फ पूजा खुद। तो नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, अब आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स ऐसा ही एक ट्री बनाना है अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग। तो आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, अपने घर आने के बाद नेहा आस्क हर फादर, नेहा अपने पिता से पूछती है, व्हाई डोंट अवर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर चाचा चाची जी लिव विद अस, कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, फादर पापा व्हाई हैज अवर फैमिली मूव सो फार इन द सिटी, कि हमारी फैमिली इतनी दूर क्यों आ गई है गांव से, कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम एक साथ गांव में वर्क नहीं कर सकते, तो ये नेहा अपने पापा से पूछती हैं। तो अब आपको सोचना है कि व्हाट माइट हैव नेहास फादर आंसर टू हर, नेहा के फादर उसको क्या आंसर देते हैं, दिस डेज आजकल इन सर्च ऑफ वर्क प्रोफेशन और फॉर हायर एजुकेशन फैमिलीज हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज, आजकल क्या हो रहा है, इन सर्च ऑफ वर्क काम की तलाश में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा अच्छी शिक्षा के कारण फैमिलीज हैव स्टार्टेड परिवार सिटीज में मूव हो गए हैं, मतलब सिटीज में जाने लगे हैं शहरों में, क्योंकि वहाँ पर अच्छी शिक्षा होती है अच्छा काम मिल जाता है, इन सिटीज हाउस आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव, सिटीज में क्या होता है शहरों में घर बहुत छोटे होते हैं वहाँ पर कुछ ही लोग रह सकते हैं, सो ज्वाइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इंटू न्यूक्लियर फैमिलीज, इसीलिए ज्वाइंट फैमिलीज जो संयुक्त परिवार होते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली सिंगल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं, देयर आर सम अदर रीजन्स, यहाँ कुछ अदर रीजन्स भी होते हैं जैसे कि वो ज्वाइंट फैमिलीज को विभाजित करने में अदर रीजन्स भी होते हैं, कुछ और कारण भी होते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो रही हैं आजकल, कॉन्स्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन मेंबर्स ऑफ फैमिली, सॉरी कॉन्स्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, देयर हैबिट्स बिहेवियर इकोनॉमिक कंडीशन कैपेसिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ETC. परिवार के सदस्यों उनकी आदतों व्यवहार आर्थिक स्थिति आय व्यय की क्षमता उत्सव मनाने के तरीके आदि की संख्या में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, इस कारण भी लोग शहरों में जा रहे हैं और सिंगल फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मीन्स होता है आय व्यय कैपेसिटी क्षमता इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थिति कॉन्स्टेंट लगातार चेंजेस मीन्स परिवर्तन। अब इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज को संदर्भ में द वर्ड फैमिली कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिया, तो जो फैमिली वर्ड है यह लैटिन वर्ड है फैमिलिया, फैमिली का ये फैमिली वर्ड लैटिन वर्ड फैमिलिया से बना है, मेंबर्स ऑफ इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स स्पाउसेस पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स सन्स एंड डॉटर्स, तो तत्काल परिवार के सदस्यों में पति पत्नी स्पाउसेस मीन्स पति पत्नी माता पिता भाई बहन बेटे और बेटियां शामिल हैं, ठीक है। अब दैट्स इनफ फॉर
फॉर द डे. प्लीज रीड दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.